नहीं नहीं पिंकी जी ने हमारे पास नहीं रखे हैं, पिंकी जी ने सेठ जी के पास रखे हैं, और सेठ जी के यहाँ से ये पंचम मतलब चुरा के लाया है। तो हम अब चूँकि हम लोग अगर अपने घर में रखेंगे, रूम में रखेंगे, तो वहाँ पे कलासी होगी तो पकड़ जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर रख दिए छज्जे पे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और यहाँ छिपे भी रहेंगे। लेकिन अभी आगे छज्जे से कहाँ पे जाएंगे ये तो फिर आगे पता चलेगा स्टोरी में। ये एक्चुअली एक चांदनी चौक में ऐसा बंदर आया जो लोगों के गहने चुरा लेता है, उसे गहने चोरी का बहुत शौक है, अब वो गहने चुरा लेता है, तो कई लोगों को उसने चुराए हैं, तो उसी चक्कर में पिंकी जी ने यहाँ पे रखे थे गहने। लेकिन अब ये तो लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि बंदर के हाथ ये वाली पोटली लगेगी या नहीं, ये तो देखने पता चलेगा फिर। अब देखो वैसे नॉर्मली जैसे हम लोगों के होता है, देखा होगा कि बंदर नकलची होता है, उसे नकल करने का बहुत शौक होता है, अब वो हमेशा लोगों की नकल करता है। तो अभी यही प्लान है इलायची का कि ऐसा कुछ करेंगे, सबको पता है कि नकल करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे तो शायद वो कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो भी नकल करेगा, और कुछ फिर आप देखेंगे आगे चल के। तो हम लोगों ने जो किया है ड्रामा, उसमें बंदर फंस गया, उसने नकल की तो वो पोटली फेंक देगा और केला खा लेगा, ऐसा कुछ है। तो ये सब पुराना चला आ रहा है, नॉर्मली बंदर तो नकलची होता है, तो ऐसे उसी के उसको उसी के जाल में फंसाया गया है। चलिए, थैंक यू।